सो हेलो गाइज, कैसे हो सारे? तो अगर तुम यार बहुत बड़े एनिमे फैन हो और तुम्हें एनिमे देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, पर तुम्हें ये नहीं पता कि कहाँ से यार एनिमे को डाउनलोड किया जाता है, तो यार ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि यार इस वीडियो में तुम्हारे लिए टॉप 3 ऐसी वेबसाइट्स लेके आया हूँ जहाँ से तुम कोई सा भी एनिमे डाउनलोड कर सकते हो। अब यार कोई सा भी एनिमे तुम सर्च करोगे, तुम्हें वो एनिमे उस वेबसाइट्स पर मिल जाएगा, और वहाँ पर तुम हिंदी और इंग्लिश कोई सी भी लैंग्वेज में एनिमे देख भी सकते हो ऑनलाइन और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कौन सी वेबसाइट्स है वो। तो यार जो अपनी सबसे पहली वेबसाइट है उसका नाम है animeflix.in। फिर इस वेबसाइट पर तुम्हें बहुत सारे ऐड देखने को मिलेंगे, जैसे और वैसे यार बहुत सारे ऐड खुल जाते हैं इसमें, तो यार सिर्फ तुम्हें सबसे पहले यार बैक का बटन दबा देना जैसे ये तुम्हारा कोई ऐड खुल जाता है। तो फिर यहाँ पे बहुत सारे एनिमे तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, नीचे यहाँ पे ग्रीन लैंटर्न देख सकते हो, और भी बहुत सारे तुम्हें यहाँ पे एनिमे देखने को मिल जाएंगे। और यार यहाँ पे सर्च का बटन मिल जाता है, तुम्हें इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे कोई सा भी एनिमे सर्च करोगे वो एनिमे तुम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जल्दी से डिमन स्लेयर सर्च कर लेता हूँ, तो मैं कोई ऐड आ जाएगा नहीं तो डिमन स्लेयर ओके। तो यहाँ पे यार सर्च करते ही मेरे को देख सकते हो यहाँ पे डिमन स्लेयर की जो मूवी थी वो भी दिख चुकी है, और यहाँ पे यार दोनों सीरीज यहाँ पे आ चुकी है। फिर इस वाली पे मैं क्लिक करता हूँ जिसमें 26 एपिसोड है, वो डाउनलोड करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें पहले। तो इस पर क्लिक करने के बाद तुम ऐसे पेज पे पहुंच जाओगे, यहाँ से तुम्हें नीचे की तरफ आ जाना, और यार नीचे आने के बाद तुम यहाँ पे देखोगे इसकी पूरी रेटिंग दी हुई है, दिखाई हुई है IMDb पे कितनी रेटिंग मिली है, ऐसे 8.7, और इसके मतलब स्टोरी बताई हुई है डिमन स्लेयर के बारे में। और यार यहाँ पे तुम नीचे आओगे तुम्हें लिंक्स भी मिल जाएंगी, यहाँ पे 480p में डाउनलोड करना है तो तुम 90 MB में डाउनलोड कर सकते हो पर एपिसोड, यहाँ पे 855p में भी दे रखा है एंड 1080p में भी डाउनलोड कर सकते हो तुम। तो यार यहाँ पे तुम्हें सारी लिंक्स अवेलेबल मिल जाएगी, और सारी लिंक यहाँ पे वर्क करती है। और जो यार दो वेबसाइट और बताने वाला हूँ तुम उन्हें भी ट्राई कर लेना अगर इनमें से कोई लिंक वर्क नहीं करती। और यहाँ पे यार इंग्लिश और जैपनीज दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, अगर तुम्हें यार इंग्लिश में देखनी है तो इंग्लिश में भी देख सकते हो। और यार देखो सब टाइटल जो होंगे तो मैं यार एक नंबर मिलेंगे, सबसे ऐसे इधर उधर सब टाइटल नहीं मिलेंगे, वीडियो अलग चल रही है सब टाइटल अलग चल रहे हैं, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें तुम्हें। तो चलो यार मैं बता देता हूँ सेकंड वेबसाइट के बारे में, अगर कोई यहाँ पे लिंक वर्क नहीं करती है तो तुम यार सेकंड वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और जो अपनी नेक्स्ट वेबसाइट है उसका नाम है 9anime.id। इस वाली वेबसाइट पर आने के बाद तुम कोई सा भी एनिमे यहाँ पे ऑनलाइन देख सकते हो, मतलब अगर तुम्हें यार अंधा नेट पड़ा हुआ तुम्हारे पास वाईफाई है बहुत सारा, तो तुम यहाँ पे आके कोई सा भी एनिमे देख सकते हो, मतलब तुम ऑनलाइन देख सकते हो, यहाँ पे एनिमे डाउनलोड नहीं कर सकते ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें सर्च करना है एनिमे, पहले तुम्हें यार सर्च करना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें नीचे कोई भी एनिमे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ नरूटो, यहाँ पे जैसे मैं सर्च करूँगा तुम देख सकते हो यहाँ पे नरूटो की जितनी भी वेब सीरीज हैं वो मुझे सारी दिख जाएंगी। तो सबसे पहली वाली पे अपन क्लिक करते हैं, तो वैसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे 150 जितने भी एपिसोड हैं यहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगे देखने को, और क्लिक करके हमें तो चला भी सकते हो इसको ठीक है। तो ये ऐड आ चुका है, तो इसमें इस वेबसाइट पर भी तुम लोगों को ऐड देखने को मिल जाएंगे, बट यार इतने ज़्यादा ऐड नहीं है जितने पहले वाली वेबसाइट में, तो उसमें तो भर भर के ऐड थे भाई, हर लिंक पे ऐड दे रखे थे, तो यहाँ पर मैं इसको प्ले नहीं करूँगा। तुम्हें सब टाइटल भी एकदम सही जगह मिल जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है वीडियो अलग चल रही है सब टाइटल लगे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली तुम्हें। यहाँ पर तुम देख सकते हो अगर तुम्हारे पास बहुत सारा नेट है तभी तुम इस वेबसाइट पर आना और ऑनलाइन देख सकते हो किसी भी एनिमे को ओके गाइस। अगर कोई सी भी क्वालिटी में यहाँ पर तुम चेंज कर सकते हो, यहाँ पर सेटिंग्स का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है तुम्हें, और तो यहाँ पे 360p से लेके 1080p तक तुम्हें यहाँ पे कोई सी भी क्वालिटी यहाँ पे मिल जाती है, जो भी है जैसे मैं भी तुम्हें देखना है वैसे तुम देख सकते हो। तो अगर यार तुम लोगों को ऑनलाइन देखनी है एनिमे तो यार इस वेबसाइट पे आके देख सकते हो, बेस्ट वेबसाइट है ऑनलाइन एनिमे देखने के लिए ठीक है। तो चलो यार लास्ट वेबसाइट बता देता हूँ कौन सी अपनी थर्ड वेबसाइट है। अगर जो थर्ड वेबसाइट है उसका नाम है animehana.in। तो ये वाली वेबसाइट भी फर्स्ट वाली वेबसाइट की तरह ही है, तुम इससे भी कोई सी भी एनिमे डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यार अटैक ऑन टाइटन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस पर भी मैं क्लिक कर देता हूँ, इसे डाउनलोड करके दिखाया था तुम कैसे डाउनलोड कर सकते हो। इस वाले पेज पे आने के बाद यार तुम लोगों को नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पे तुम्हें यार पूरी स्टोरी लाइन बताई जाएगी कैसे क्या है इसमें, मतलब क्या क्या इसमें स्टोरी है। तो इसके बाद तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखा जाते हैं थोड़े से, यहाँ पे तुम देख सकते हो कौन सा एनिमे कैसा है डाउनलोड करने से पहले, और यहाँ पे यार तुम्हें सारे डाउनलोड लिंक मिल जाएंगे यहाँ पे डाउनलोड के सेक्शन में देख सकते हो। तो यहाँ पे तुम season 1, season 2, season 3, season 4 चारों सीजन डाउनलोड कर सकते हो, कोई सी भी क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हो यार 40p से लेके 1080p तक। एंड यहाँ पे यार और भी तुम्हें इसकी मूवीज़ मिल जाती हैं जो कि AOT की मूवीज़ हैं वो भी मिल जाएंगी, मतलब तुम्हें सब कुछ इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर तुम्हारी दो पीछे की वेबसाइट काम नहीं करती है तो तुम इस वेबसाइट से आके डाउनलोड कर सकते हो। तो यार इसी तरह से तुम कोई सा भी एनिमे डाउनलोड कर सकते हो और ऑनलाइन देख भी सकते हो सेकंड वाली वेबसाइट से। और तुम्हें यार ये वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर भी कर देना यार, जो लोग बहुत ज़्यादा एनिमे देखते हैं जिनके एनिमे में कीड़ा है तो यार उन्हें पता चलना चाहिए कैसे एनिमे डाउनलोड किया जाता है। तो इस वीडियो को यार उनके साथ शेयर कर देना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।